रितेश पांडे तो अभी अपनी जीवन संगिनी को चुन चुके हैं, लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि भोजपुरी की एक एक्ट्रेस के साथ रितेश की शादीशुदा होने की खबरें सामने आई थी। अगर नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रितेश पांडे भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार बन चुके हैं। इनकी आवाज को पवन की आवाज जैसी बताई जाती है। कहा जाता है कि इनकी और पवन की आवाज एक दूसरे से खूब मिलती है। वेल, रितेश को भोजपुरी में असल पहचान मिली जाए चंदा गाने से। इसी गाने से ये बहुत पॉपुलर हो गए, जिसके बाद इन्हें लगातार कई गाने मिलने लगे और फिल्में भी मिलने लगी। और आज रितेश गायक के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। हम आप सभी को ये बता दें कि भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ इनकी शादीशुदा होने की खबरें बहुत तेजी से वायरल हुई थी। जी हाँ, जब ये तस्वीर बाहर आई तो सभी को ये धक्का लगा कि कैसे अचानक अक्षरा और रितेश ने शादी रचा ली। तो हम आप सभी को ये बता दें कि जो तस्वीर आप सब देख रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और वो कैसे आई आप सबको बता देते हैं। दरअसल ये तस्वीर रितेश और अक्षरा की एक फिल्म की शूटिंग की है, जिसमें शादी का सीन फिल्माया जा रहा था। तस्वीरें वायरल होने पर सभी को लगा कि इनकी शादी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वेल, फिलहाल तो रितेश पांडे ने वैशाली से शादी रचा ली है और इनकी पत्नी दिखने में भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। वेल, आप सभी को रितेश की पत्नी कैसी लगती है बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।